सर आज अभी स्क्रैपिंग को लेकर के जो बैठक हुई है 2023 को, क्या कुछ बैठक है सर, इसको क्या? जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पिछले वर्ष गाइडलाइंस जारी करे हैं, स्टेट के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी व्हीकल स्क्रैपिंग के ऊपर पॉलिसी बनाई थी, उसको आगे ले जाते हुए इंडस्ट्रियल पॉइंट से कैसे बेनिफिट देकर लाने लोगों को हमें मौका दे कि वो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ इस्टेब्लिश करें। आज स्टेक होल्डर बैठक थी, लगभग 5 यूनिट व्हीकल स्क्रैपिंग के हरियाणा में लग चुके हैं, और कैसे आए उन सबसे चर्चा हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्हीकल स्क्रैपिंग में हरियाणा लीडर बनेगा, और एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन करना है, कैसे पोल्यूशन रहित करना है, उसके अंदर हमने पहले भी बहुत काम किया है, जहां हमने इंडस्ट्री को डीजल जेनसेट से कन्वर्ट कर पीएनजी सीएनजी में जाने के लिए बेनिफिट दिया था, उसी प्रकार से व्हीकल स्क्रैप कर कैसे उसको रीयूज करना है, उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के आज व्यू पॉइंट लिया, और जल्द हम इस पॉलिसी को कैबिनेट में। क्या कुछ सुझाव इंडस्ट्रीज की तरफ से दिए गए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कंसोलिडेटेड एक सेंटर में ये सारी चीज़ें आए, ये इनका सुझाव था। उसके लिए लैंड क्योंकि हरियाणा के अंदर आज के दिन महंगी भी है, हमने इनको ऑप्शन दिया है कि हमारे BCD ब्लॉक्स के अंदर आप लोग जाइए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेंगे तो ज़रूर उस चीज़ का बेनिफिट इनको मिलेगा। वहीं एक दो छोटे अमेंडमेंट्स की इनकी मांग है ट्रांसपोर्टेशन साइड, वो हम उनको आग्रह भी कर लेंगे, उनको भेज भी देंगे कि वो जल्द अमेंडमेंट करें। सर, एक इंडस्ट्रीज और MSME के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है, क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, बड़ा अच्छा रहा। MSME के अंदर सबसे छोटा स्केल है माइक्रो इंडस्ट्री। कोविड से पहले माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर जो बेनिफिट्स लोगों ने लिए थे वो 26 करोड़ के थे, मगर आज हमारे प्रदेश के अंदर हम 650 करोड़ के बेनिफिट्स MSME को दे चुके हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नई डेवलप हो चुकी है, जिनने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया, और मुझे लगता है जो हमारा उद्देश्य था हीप 2020 का, उसको हम बहुत हद तक अचीव कर पाए। अधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो शेयर करने का काम करें, वही साथ के साथ जितने आपके इंडस्ट्रीज़ के केसेस लंबित हैं जिनमें उनके बेनिफिट्स हैं, उनको एक्सपेडाइट करें कि ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र। हर जिले में क्वालिटी सेंटर की भी बात हो रही थी, बिल्कुल। मैंने पीछे हिसार विजिट किया था, वहाँ हमारा पुराना क्वालिटी सेंटर बंद था और उसको किराए की एक बिल्डिंग में चलाया जा रहा था। जल्द हम अपनी बिल्डिंग्स डेवलप करेंगे, और क्वालिटी सेंटर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में, उसके लिए सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना। सर, लास्ट है कि क्या इस मीटिंग के बाद कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए जाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास आज के दिन 9 पॉलिसीज हमने प्रदेश में चलाई हैं, उनकी स्कीम्स नोटिफाई हो गई, 7 पॉलिसीज इन प्रोसेस है, जैसे ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, उसके बाद ई वेस्ट पॉलिसी है, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर बैठकें भी चल रही है, और जल्द उनका भी निष्कर्षण।